अगर हम पहले से ही एक वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम भी जीते जागते आर्टिफिशियल जीव ही हैं। लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? ये फिजिसिस्ट मानते हैं कि इन्हें ब्रह्मांड में काम करने के तरीके में एक ऐसी कड़ी मिल गई है जिसके सहारे ये साबित कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एक हकीकत है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को 3D ग्रिड पर बनाया जाता है। अगर किसी ने हमारे ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर पर बनाया है तो हम भी शायद उस ग्रिड को ढूंढ निकालें जिससे हर चीज जुड़ी है। अभी तक हमें इस बात के कोई संकेत नहीं मिले, मगर एक साइंटिस्ट का मानना है कि हम किस तरह से ब्रह्मांड की सतह के नीचे देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वहां मौजूद एक आर्टिफिशियल वायर फ्रेम ने सारी सच्चाई को साथ में जोड़ रखा है। हम तो यही मानते हैं कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वो कहीं खत्म नहीं होता और उसे बांटा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष क्यूब में नहीं बंटा है, लेकिन डिजिटल रियलिटी में तो ऐसा ही होता है। हमारी ग्रिड शायद दुनिया की सबसे छोटी चीज एक सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटी है। उस ग्रिड में एक दूसरे से जुड़े पॉइंट के बीच बहुत ही कम दूरी होती है। अगर हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं तो सवाल है कि वो स्पेस टाइम कैसा दिखता होगा। उसमें अंतरिक्ष हमेशा अलग टुकड़ों में होगा, ना कि निरंतर। आइए अब हम इस गोले के मॉडल को देखते हैं। ये दर्शाता है हमारे आज के ब्रह्मांड की समझ को। अभी हम ये नहीं जानते कि इसकी सरहद के आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि इस गोले के अंदर दो पॉइंट्स के बीच कोई निश्चित मिनिमम दूरी नहीं होती। हम कहते हैं कि अंतरिक्ष निरंतर होता है। रोटेशनल सिमेट्री से हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर कोई हल्का स्ट्रक्चर है या नहीं। अगर मैं इस गोले को नचाता हूँ तो इसके अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे घुमाता हूँ तो इसके अंदर वाला हिस्सा हमेशा एक जैसा ही नजर आता है, लेकिन जब मैं इस क्यूब को घुमाता हूँ तो आप भी देख सकते हैं कि इसके अंदर के लैटिस की दिशा बदलती है। ये रोटेशनल सिमेट्री के टूटने की बहुत अच्छी मिसाल है। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी ग्रिड की धुरी पर नाच रहे हो या वो एक दूसरे को पार कर रहे हो तो उनका व्यवहार अलग होता है। इतने बारीक ग्रेन वाली 3D ग्रिड हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते। ये तो करीब करीब सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को चकराने वाला है। मगर साइलस और उनके साथियों ने इसका पता लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है, अगर वो सचमुच है तो। वो मानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक घटनाओं से हमें इसका अंदाजा मिल सकता है। सुपरनोवा से बहुत ज्यादा एनर्जी वाली खगोलीय किरणों के कणों की लड़ियां निकलती हैं। मगर फिजिसिस्ट ने उनके बारे में एक बड़ी अनोखी बात देखी। वो जिस सबसे ज्यादा एनर्जी वाली खगोलीय किरणों को देखना चाहते हैं वो नजर नहीं आई है। साइलस मानते हैं कि इसकी वजह ये ग्रिड ही है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे ब्रह्मांड का कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि जब कोई खगोलीय किरण का कण बनता है तब उसमें मौजूद एनर्जी की क्या सीमा होती है। लेकिन मुझे उसकी एक सीमा नजर आती है जिसे हम कॉस्मिक रे कट ऑफ कहते हैं। अगर वो खगोलीय किरणें सिर्फ ग्रिड लाइनों पर ही घूमने को मजबूर हो जाएं तो वो उनकी एनर्जी पर ब्रेक लगाने का काम करेंगी। इस थ्योरी की जांच करने के लिए साइलस और उनके साथी अलग अलग दिशाओं में जाने वाली खगोलीय किरणों के एनर्जी लेवल की तुलना करना चाहते हैं। सोचिए, इस बैंड का हर सदस्य खगोलीय किरणों का एक कण है। ऐसे में हम इनकी गतिविधियों को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर चूंकि कोई ग्रिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सारे कण हर दिशा में एक ही तरह से जाते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि अगर उसके अंदर एक ग्रिड स्ट्रक्चर हो तो क्या हो सकता है। उस ग्रिड एक्सिस पर सीधे सीधे चलना तो वैसा ही है जैसे इस बैंड के नीली यूनिफॉर्म वाले सदस्य चल रहे हैं, लेकिन सफेद यूनिफॉर्म वाले सदस्यों की तरह डायगनली चलने के लिए उन्हें आड़ा तिरछा चलना पड़ेगा। मतलब ये कि उन्हें एक्सिस पर चलने वाले कणों के मुकाबले एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रिड पर अलग अलग दिशाओं में चलने वाले कणों को अपने एंगल के हिसाब से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। साइलस मानते हैं कि अगर हम अंतरिक्ष में यहाँ से वहाँ भागने वाली खगोलीय किरणों को मापें और हमें ये पता लगे कि किसी एक एंगल पर जाने वाली किरणों में दूसरे एंगल पर जाने वाली किरणों के मुकाबले लगातार एनर्जी की मात्रा अलग होती है तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड में भी एक ग्रिड स्ट्रक्चर। ये हमारे सिस्टम में आया एक ग्लिच है। ये संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड शायद एक सिम्युलेटेड आर्टिफिशियल तरीके से चल रहा है।
मुझे लगता है कि इसे देखते हुए सब ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग राय बनाने लगेंगे और फिर इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे उसमें वो ग्रिड स्ट्रक्चर क्यों है और वो कुदरती है या फिर इस वजह से है कि हमें सिमुलेट किया जा रहा है। अगर हम एक कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं तो जरूर एक मास कोड उसके उन सभी प्रोग्रामों को चला रहा होगा जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है। आप शायद ये सोच रहे हो कि वो कोड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा, मगर इस कंप्यूटर साइंटिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक नोट कार्ड की बदौलत उस कोड की लाइनों पर ब्रह्मांड को चला सकते हैं।